हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी स्केल वेशिश चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से इन बजट डेकोरेशन। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। तो आज मैं गोल्डन एंड ब्लैक का डेकोरेशन करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल भी काली बिली जैसा दिखता है। तो मेरे चैनल पे एक नज़र डाल देते हैं। ये मेरा चैनल है जिसमें आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको बस डेकोरेशन के प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे डेकोरेशंस वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है आप वो देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर। तो चलिए हम प्राइस डिस्कस कर लेते हैं, प्राइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक बलून। ब्लैक बलून हमारे 40 रुपीज़ के। फिर लेंगे गोल्डन बलून्स, वो भी 40 रुपीज़ का पैकेट आता है। ये हम लेंगे जो 60 रुपीज़ का पैकेट है। तो ये थोड़ा सा चमकी वाला मैंने लिया, जो चमचम करेगा और अच्छा भी दिखेगा। मैंने ले ली है ये रिबिन। रिबिन जो है हमारे 20 रुपीज़ के, इससे हम बलून की पूछ बनाए। और ये हमारे दो डबल साइडेड टेप है जो 10 रुपीज़ के आते हैं। तो ओवरऑल हमारा बजट ये है अंडर 200 रुपीज़। तो इस दीवार पे, सफ़ेद दीवार पे हम काली पीली वाला डेकोरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम गोल्डन एंड ब्लैक का 3 का कॉम्बो, उसकी और पूरी की पूरी सेना बना लेंगे। हमें बहुत सारे बलून्स लगेंगे, तो आप ऑलरेडी लेके रख देना। तो सबसे पहले हम बीच में चिपका देंगे इस 3 के कॉम्बो को। जैसे चिपकली चिपक जाती है दीवार पे, वैसे ही हम चिपका देंगे। फिर हम दो साइड से दो बलून्स को चिपका देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ट्रायंगल। हमें इसे कर्व का शेप देना है, तो हम सबसे पहले इसके बाजू में लगाएंगे, जो हमने मिडल वाला लगाया था उसके बाजू में लगाएंगे। तो अच्छे से चिपक गया है। अब हम नेक्स्ट इसके बाजू में, मतलब लेफ्ट साइड में लगाएंगे। तो ये चिपक ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों चिपक नहीं रहा है, चिपक जा। फिर उसके बाद से चिपकने के बाद हम फिर से एक बलून यहाँ पे लगा देंगे, जो हमने कॉर्नर में लगाया था उसके ठीक ऊपर। अब ये तो शेप बिगड़ गया था। अब मैं सोच रही थी कि इसको निकालूं, लेकिन ये निकलने में थोड़ा दिक्कत दे रहा था, बट मैंने निकाला बहुत प्यार से और फिर से इसे प्लेसमेंट इसका चेंज कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा कर्व शेप में शेप दिया है। और ये बलून्स पता नहीं मुझे बहुत दिक्कत दे रहे थे, थोड़े इधर उधर हिल ही नहीं रहे थे, ये चिपक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने इनको थोड़ा सा ट्राई कर करके इसे कर्व शेप दे दिया। तो ये बहुत ज़िद्दी बलून्स है, फर्स्ट टाइम मैंने इतने ज़िद्दी बलून्स देखे हैं, बहुत परेशान करके रख दिया था। फिर मैंने ये फिर से जो कॉर्नर था उसके ऊपर दे दिया, तो ये बराबर से हमारा कर्व में आ चुका है। तो ये हमने लगा दिए हमारे सारे बलून्स जो कर्व शेप दिए। अब हम लगाएंगे छुटकू वाले गोल्डन। तो गोल्डन वाला जो मैं ये चिपका रही हूँ, ये भी बहुत अच्छे तरीके से चिपक गया है। लेकिन ये वाला जो अब मैं लगाऊंगी ना, ये बहुत परेशान करेगा, इधर उधर हिलेगा। बस ये ना कूद रहा था इधर उधर, बोल रहा था मैं नहीं चिपकूंगा। फिर बाद में उसके बाद मैंने इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठा दिया, इसको बोला यहाँ से बिल्कुल भी हिलना मत। तो ये ज़बरदस्ती से मैंने इसको चिपका दिया। फिर ऐसे ही करते हमको सारे दो ब्लैक के बीच में एक गोल्डन बलून आपको चिपका देना है। थोड़े से हेयर स्टिक करना भी ज़रूरी है, ताकि मैं प्रीटी प्रीटी लगूँ। तो ये हमने गोल्डन वाले बलून्स पूरे लगा दिए हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा प्रिंसेस वाला लुक बना के भी डेकोरेशन किया जाए, लेकिन बहुत गर्मी हो रही थी गाइस, सही में बहुत गर्मी हो रही थी, बट ठीक है। तो अब हमें बना लेना है ब्लैक बलून्स की पूछ। तो पूछ के लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, बस हम एक रिबन लेंगे और इसे यहाँ पे जितनी आपको साइज़ की कट करनी है, बस यहाँ पे आपको गठान लगा देनी है। और ये हो गया हमारा रेडी पूछ वाला बलून। देखिए कैसे फुदक रहा है इधर उधर। तो बस आपको इसे बीच के साइड में प्लेस कर देना है। यहाँ पे हम बीच के साइड में लगा लेंगे। तो ये एक मैंने लगा लिया, तो ये बस आपको डबल साइडेड टेप से चिपका देना है। इसे कुछ भी कहीं पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैंने लगा दिया, अरे तो एक अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके बाजू में एक और लगा दिया। फिर वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक और लगा दिया लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। फिर मुझे लगा कि और दो होने चाहिए, तो फिर मैंने एक और लगा दिया यहाँ पे। तो ये वाला बलून भी हमने चिपका लिया, इसे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इसका फ्लो तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये खाली खाली सा लग रहा था। किधर चली गई मैं, पता नहीं कहाँ चली गई थी, इधर, अच्छा इधर। तो ये हमने एक और बलून चिपका लिया, लेकिन ये बहुत छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे फ्रेम चेंज कर दी और फिर से एक बलून लेके आई जो सेम लेंथ का था। तो फिर मैं इसे चिपकाने का ट्राई कर रही थी, बट चिपक नहीं रहा था, दूसरा बलून परेशान कर रहा था। फिर मैंने फिर कैसे तो भी करके इसको चिपका ही दिया फाइनली। तो ये हमारा लटकन वाले बलून्स रेडी हो गए। फिर हमारा मेन पार्ट आता है हमारा हैप्पी बर्थडे वाला बैनर, जिससे पता चले कि हाँ बर्थडे है, ना कोई दूसरा कोई इवेंट है। तो ये हम बर्थडे डेकोरेशन यहाँ पे बर्थडे का बैनर चिपका दिया। बर्थडे का डेकोरेशन है तो बर्थडे बैनर आएगा ही ऑफकोर्स, कैसी पागल हूँ ना मैं, अच्छा ठीक है जाने दो। तो ये हमने चिपका दिया, ये भी नहीं चिपक रहा था, पता नहीं क्या ही मुझे परेशान कर रहे थे आज ही, इतना परेशान कभी मुझे कोई डेकोरेशन ने नहीं किया, कोई बलून्स ने नहीं किया और बर्थडे बैनर ने किया। इस बार बहुत ही ज़्यादा परेशानी दी है इन्होंने मुझे। फिर से मैं कहीं चली जाती हूँ और 3 बलून्स का एक कॉम्बो लेके आती हूँ, जो मैं मिडल में लगा देती हूँ। मिडल में लगाने के बाद एक और साइड में लगा देती हूँ और एक और साइड में लगा देती हूँ, तो ऐसे भरा भरा लगता है, फोटोज़ बहुत अच्छी आती है, इसीलिए हम भरा भरा बना लिए हैं।
कभी कभी मैं सिंपल डेकोरेशन बना लेती हूँ, बट ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फिर हमने और एक पूछ ले ली है, साइड से थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पे और दो पूछ लगा दिया है। तो ये हमने दो पूछ लगा लिए है। अब बारी आती है हमारे टॉप के डेकोरेशन की। तो एज यूजुअल ये मैं कूद के एक बलून लगा देती हूँ, कूदने के बाद दूसरा बलून लगा लेती हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके हम सारे बलून यहाँ पे अल्टरनेट कलर के लगा देते हैं, ब्लैक गोल्डन, ब्लैक गोल्डन, ब्लैक गोल्डन, ब्लैक गोल्डन। तो ये बहुत ही तरीके से बहुत ही अच्छा अच्छे दिखते हैं, मुझे तो बड़े पसंद है ये ऊपर वाले बलून्स लगाना। तो ये हमारा फाइनल डेकोरेशन का लुक रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम एक टेबल ले लेंगे, केक रखने के लिए डेकोरेशन भी करना ज़रूरी होता है, तो बस एक टेबल क्लॉथ ले लेंगे और इसके ऊपर मस्त फ्लावर्स और थोड़ा सा ग्रीनरी ग्रीनरी रेड येलो कलर का हम लगा लेते हैं। ये हमारा डेकोरेशन रेडी हो चुका है गाइस। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और मेरे और भी डेकोरेशंस वीडियो देखना ना भूलिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए लेके आती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।